आज का वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपको के फीवर हुआ है तो वो ऑन द स्पॉट अभी उतर जाएगा। इंडियन नोट अलाउ, ऐसे बैनर सोल के ऑलमोस्ट हर एक क्लब के बाहर लगे हुए हैं। इस्लाम एंड हिंदू आउट, ऐसे बैनर स्पेसिफिकली कोरिया की सिटी में काफी कॉमन है। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। इसमें अब कोसोल के कुछ क्लब या फिर बाकी सिटी में ऐसे बैनर ना भी हो, फिर भी ये कोरिया की ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप कोरिया में कपड़े खरीदने जाते हो और दुकान में जाते ही जैसे ही आप कपड़े को छूते हो, तभी वो दुकानदार तुरंत उठकर अपने कपड़े को साफ करने लग जाता है। आपको कैसा लगेगा? वेल, कोरिया में इंडियंस के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. इनफैक्ट इंडियंस ही क्या, कोरिया में 10 में से 7 फॉरेनर का ये कहना है कि उनके साथ साउथ कोरिया में कभी न कभी रेसिज्म जरूर हुआ है। ओनली फॉर कोरियन नो इंडियन, ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत का है, जहाँ पे हम इंडियंस को ही रेस्टोरेंट में आना मना है। एक्चुअली हो रहे काफी इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। राज दरअसल पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहा है, पर पिछले ही साल वो अपने न्यू दिल्ली से आए दोस्तों को कोरिया घुमा रहा था। तब उसके दोस्तों ने कहा क्लबिंग के लिए चलते हैं, बट राज कभी कोरिया में क्लबिंग के लिए नहीं गया था। उसके लिए भी कोरियन क्लबिंग ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। तो बींग अ ब्लॉगर, राज इस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने लग गए। अब जैसे ही वो पहले क्लब में पहुँचते हैं, देखना उनके साथ क्या होता है। उनको गार्ड बस इसलिए अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो एक इंडियन है। उनसे वो गार्ड कहता है कि ये क्लब में तो अलाउ नहीं है, आगे वाले क्लब में ट्राई कर लो। इस रूल, इस रेसिज्म। यार ये मुझे मालूम नहीं आनंद है, कमिश्नर पुलिस को देंगे, इतना आते हो। जब वो दूसरे क्लब में जाते हैं, उनको दूर से ही गार्ड आगे बढ़ने के लिए बोल देते हैं। अब तीसरे क्लब में जाने पे तो उनको इससे भी बड़ा झटका लगता है। इस क्लब में तो उनको किसी से झगड़ने की भी जरूरत नहीं होती है, वहाँ सीधा बोर्ड पे लिखा होता है पाकिस्तानी एंड इंडियंस नोट अलाउ। अब आपको लग रहा होगा ये बस इक्का दुक्का केस है, इससे हम सारे कोरियंस को जज नहीं कर सकते। तो ये सुनो, जब एक कोरियन चैनल बबंग कोरियन के पॉडकास्ट में इस इंडियन लड़की ने बताया कि जब भी वो कोरिया के पब्लिक प्लेस के किसी सीट पे बैठती थी, तब उस सीट पे बैठते ही बाकी कोरियन उठकर चले जाते थे, जैसे कि वो कोई सो कॉल्ड अनटचेबल हो। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. एंड ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है। उसका कहना था कि ये एक्सपीरियंस इतना कॉमन है कि अब तो उसको उसकी ऑलमोस्ट आदत हो चुकी है। और वहाँ के बच्चों के हिसाब से हम इंडियंस टीचर के जैसे दिखते हैं। she's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess, small kids, and they were like, oh, we don't like Indian people, they look like muddy. Actually बात ऐसी है कि ब्रिटिशर्स के बाद अब साउथ कोरिया इंडियंस को अनटचेबल और इनफीजियस मानने लग गए। सेम कॉलोनियल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हमसे भी छोटी इकोनॉमिक होने के बाद भी जानते हो कोरियन हमें क्यों हेट करते हैं? वेल, सिर्फ दो ऐसे बहुत ही सुपर फिजियस रीजन की वजह से, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कोरियंस की सोच इतने एजुकेटेड होने के बाद भी इतनी छोटी कैसे हो सकती है। नाउ अब तक तो हम इन जनरल हेट और रेसिज्म की बात कर रहे थे, पर इंडिया के लिए तो स्पेसिफिकली इनका हेट नेक्स्ट लेवल है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे न दो रीजन है। सो जैसे मैंने आपको बताया, कोरियंस काफी पढ़े लिखे होते हैं, उनकी लिटरेसी रेट 98.8% है, पर क्या फायदा? उनकी यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानते हो कितना है? अबोपिंग 20%, जिसमें इनकी खुद की माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप ही देखो, इंडिया में, यूएस में, यूरोप में पढ़े लिखे लोग छोटे मोटे जॉब नहीं करते, लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं है। सो करेंटली कोरियन इंडस्ट्रियल एंड फार्मिंग सेक्टर में बहुत हैवी शॉर्टेज ऑफ वर्कर फेस हो रहा है। मतलब आप सोचो, सिचुएशन वहाँ की इतनी बदतर है कि कोरियन गवर्नमेंट को ब्लू कॉलर वर्कर को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है।
रहा है, बस इसलिए क्योंकि उनका यूथ पढ़े लिखे होने की वजह से छोटे मोटे जॉब करना नहीं चाहते। सो ये बैकग्राउंड तो हम समझ गए। अब देखो, अब तक आपको यही लग रहा होगा कि इंडियंस वहाँ पे एजुकेशन और आईटी जॉब्स के लिए मोस्टली जाते हैं, पर ये सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी है। असल में बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो वहाँ पे कई छोटे मोटे जॉब्स करते हैं। इनफैक्ट अभी चल रहे लेबर शॉर्टेज के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने खुद इंडियन गवर्नमेंट से एक पैक्ट भी साइन किया है, ताकि उनके एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट डिस्पोजल, मीट ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में वर्कर्स की शॉर्टेज न हो। अब देखो, यहाँ रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन एकदम ज्यादा इसलिए है क्योंकि कोरियंस का माइंडसेट यह है कि इंडियंस हमारे यहाँ छोटे मोटे जॉब करते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन तो इनके यहाँ पे रेसिज्म बहुत कॉमन है ही, लेकिन स्किन कलर, व्हाइट स्किन कलर से जो उनका फेटिश है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन हम इंडियंस का कलर वेटिश होता है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि इतना ज्यादा रेसिज्म इंडिया के खिलाफ वहाँ पे होता है। और ये मैं नहीं, खुद कोरियंस ने ही कहा है। दरअसल कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ने पूरे कोरिया में एक इंटरेस्टिंग सर्वे किया था, जिसमें कई कोरियंस ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया कि हम इंडियंस को अनसेफ, अंडर डेवलप और ओल्ड फैशन समझते हैं। एक्चुअली देखो, रूट प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी भी उतनी गलती नहीं है ऐसा कह सकते हैं। ज्यादा मेजर गलती है इन्फॉर्मेशन गैप की। एक्चुअली में कोरियंस हम इंडियंस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। देखो, आज कोरिया में सिर्फ 12,000 इंडियंस ही रहते हैं और टूरिस्ट भी करीब वहाँ पे हर साल 1,00,000 लोग ही जाते हैं। तो ऐसे में बाकी लोगों से इंडियन कल्चर के बारे में उन्हें बहुत ही कम पता चलता है। और रही बात इंडियन गवर्नमेंट की, तो हमारे देश और कोरिया में ऑफिशियली डिप्लोमेटिक टाइज भी काफी कंपेरेटिवली लेट 1973 के आसपास हुआ था, यानी कि करीब आजादी के 30 साल बाद। इनफैक्ट इससे पहले तो उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को दुश्मन देश समझते थे। उन्हें लगता था कि हम एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले देश हैं, क्योंकि हम रसिया के एक एलाई थे और साउथ कोरिया यूएस का एलाई था, जो एक कैपिटलिस्ट कंट्री था। तो मैं आपको बस दोनों साइड के पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं है कि कोरियंस को अभी से हमें हेट करना शुरू कर देना चाहिए और उनके कल्चर के पॉप के ड्रामा को बैकआउट कर देना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इनफैक्ट हमारा तो कल्चर ही अतिथि देवो भव का है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इंडियंस को दूसरे देश की रिस्पेक्ट करना, उनके कल्चर को फॉलो करना, उनके अच्छे रिस्पेक्टर्स उठाना, ये सब बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश की इज्जत करते वक्त हमें अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। मुझे एक्चुअली काफी सारे ऐसे रैंडम वीडियो मिले जहाँ पे लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे। जब मैं और देखना शुरू किया, मुझे मालूम पड़ा यस, एक्चुअली काफी सारे साउथ कोरियन इंडियंस को हेट करते हैं, उनके खिलाफ उनके मन में बहुत ज्यादा रेसिज्म है। तो मैं बस आपको ये एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देना चाहता था। अगेन, ये मेरा ओपिनियन है। अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आपके हिसाब से हमें इस इशू के ऊपर के पॉप को, के ड्रामा को बायकॉट कर देना चाहिए, या आपके हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे मेरे साथ कमेंट में शेयर करना। बट इतना जरूर मैं जानता हूँ कि काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो के थ्रू हमें अवेयरनेस रेज करना है। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, जिनको भी BTS पसंद है, जिनको भी के ड्रामा पसंद है, के पॉप पसंद है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। वैसे इंडिया में योगी आदित्यनाथ काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन ले रहे हैं अभी हाल ही में UP में हलाल सर्टिफिकेट को बैन करके, लेकिन लोगों का मानना है कि ये एक प्री इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन हकीकत क्या है, इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करके जरूर देखना। और गाइस, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो 1,00,000 जरूर ठोकना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ऑन स्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।